हेलो दोस्तों, आज हम जीन जैक्स रूसो की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जो जीन जैक्स रूसो हैं उन्होंने भी समाज का या राज्य की उत्पत्ति या प्रकृति में इन्होंने सामाजिक समझौते का वर्णन किया है, जिसको थॉमस हॉब्स ने दिया था। अब इसी प्रकार जब हम रूसो के सामाजिक समझौते की बात करते हैं तो रूसो ने सामाजिक समझौते में मानव स्वभाव को आत्म प्रेम व परोपकार की भावना से पूर्ण माना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मानव स्वभाव है वह बहुत ही अच्छा था। और इसमें उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति थे, जो मानव स्वभाव था, वह आत्म प्रेम के पूर्ण था और वह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार से, एक दूसरे के साथ सद्भाव की भावना से रह रहे थे। और इसके साथ ही हम आप बात करते हैं इनके प्राकृतिक स्वभाव की। जब हम इनके समाज या प्रकृति के स्वभाव की बात करते हैं तो इन्होंने ये कहा है कि जो उस समय का जो स्वभाव था प्रकृति का, समाज का, वह बहुत ही अच्छा था। और वो इन्होंने प्राकृतिक अवस्था को स्वर्णिम काल माना है। और उस काल में मानव एक पशु के समान था, जो कि ना किसी का भला चाहता था और ना किसी का बुरा चाहता था, बल्कि सद्भाव की भावना से अपना जीवन जी रहा था। और इसी प्रकार इन्होंने जो प्राकृतिक अवस्था है, स्वर्णिम काल है, इसे इन्होंने 3 भागों में बांटा है। इन्होंने पहले भाग में कहा है कि जो स्वर्णिम काल है उसका पहला भाग था नोवेल सीवेज। नोवेल सीवेज का मतलब है कि उस समय जो मानव थे वह स्वतंत्र थे पूरी तरह से, अर्थात वह कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वह किसी के विरोध में कार्य नहीं करते थे, क्योंकि उसमें लोगों के मन में विरोध भावना थी ही नहीं, बल्कि आत्म प्रेम और परोपकार की भावना थी। और जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो दूसरे चरण में जनसंख्या की वृद्धि हुई और उन्होंने देखा कि संसाधनों को कैसे उपयोग करें, किस प्रकार उपयोग करें। और जब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो तीसरे चरण में दोस्तों मानव स्वभाव ने पूर्णतः कृषि करना और सीख लिया था, जिसमें कि वह कृषि पर निर्भर हो गए थे। अब हमने देखा कि मानव स्वभाव और राज का जो स्वभाव है उसको हमने देखा। अब हम बताते हैं आपको कि ये जो सामाजिक समझौता था उसे क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर सामाजिक समझौता क्यों करनी पड़ी थी, क्योंकि फिर उस समय कुछ सम, मतलब उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी, जो स्वर्णिम काल थी, उसमें भी कुछ ऐसे नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न हो गए थे, जिन्होंने वहाँ अराजकताएं फैलाई थी, अपने लाभ में दूसरों का हानि पहुँचाना शुरू कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो प्राकृतिक अवस्था में तो सही तरह से सब कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न हुए तो उन्होंने वहाँ अराजकताएं फैलाई और उस अराजकता से वहाँ अशांति कायम हो गई, और इसीलिए सामाजिक समझौता करने की जरूरत पड़ी। और यहाँ पर भी सामाजिक समझौता 2 प्रकार से की गई थी, जिसमें कि पहला तो व्यक्तियों के साथ ही समझौता किया था, जिसमें वह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार के साथ रहेंगे। और क्योंकि क्यों अशांतिपूर्ण व्यवहार के साथ रहेंगे, क्योंकि जब नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोग उत्पन्न हुए तो वहाँ तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई, अमीरी गरीबी की भावना उत्पन्न हुई, जिससे कि समाज में भेदभावपूर्ण जीवन आरंभ हो गया था। इसलिए उन्होंने पहले व्यक्तियों के साथ सामाजिक समझौता किया, जिसमें वह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। और जो दूसरा समझौता था वह उन्होंने राज्य के साथ किया, राज्य को उत्पन्न किया, अतः राज को उत्पन्न कर फिर उन्होंने एक अच्छे शासन व्यवस्था को कायम किया। इसी प्रकार हमने इनके सामाजिक समझौते की बात की है। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं, जो जब हम रूसो की बात करते हैं तो रूसो ने सामान्य मतलब कि इन्होंने सामान्य इच्छा शक्ति की बात की है, मतलब कि जनरल विल पावर की बात की है, जिसमें इन्होंने सामान्य इच्छा शक्ति को भी 2 भागों में बांटा है। पहला है स्वार्थ की भावना, एक्चुअल विल पावर, जिसमें क्या होता है कि स्वार्थ की भावना होती है, अर्थात व्यक्ति स्वार्थी होता है और वह सिर्फ अपने लाभ में, अपने हित में कार्य करता है। तो यह देखा जाए तो दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति है। और जब हम इसके दूसरे तत्व की बात करते हैं तो वो है प्रार्थ मूलक भावना, जिसमें कि रियल विल की बात की गई है। और जो ये रियल विल है यह क्या होता है, यह अपने हित को ना देखकर दूसरे का, समुदाय या समाज के हित को देखा जाता है, जो कि सकारात्मक है। इसी प्रकार हम आगे इनके इसी सामान्य इच्छा सिद्धांत को आगे आने वाले अन्य सिद्धांतों में पढ़ेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ इनके जीवन परिचय की। जब मैं इनके जीवन परिचय की बात करता हूँ तो इनका जन्म 1712 ईस्वी में इटली में हुआ।
इनके पिताजी का नाम आइजैक रूसो था, जो कि एक अशिक्षित व मंदबुद्धि व्यक्ति थे। अर्थात इनकी जो मंदबुद्धि की बात करूं, अशिक्षा की बात करूं, तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि यह धार्मिक प्रतिक्रियाओं के विरोधक थे। अर्थात इन्हें धार्मिक अत्याचारों को सहना पड़ा था अपने समय में, और इसलिए इन्होंने धार्मिक अत्याचारों के कारण ही इटली छोड़कर जेनेवा भागकर चले गए थे, और वहीं पर वहीं रूसो के साथ रह रहे थे। अब मैं रूसो की बात करूँ तो रूसो का जब जन्म हुआ था तब उनकी माता का देहांत हो गया था, और वह अपने पिताजी के साथ भाग कर जेनेवा चले गए थे, और वहीं पर वह इसी प्रकार उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं किया, और इसके साथ ही वह चंचल मनोप्रवृत्ति के थे और मंदबुद्धि थे। और देखा जाए तो उनकी जो पिता थे वह काम वासना में थे, और इसीलिए उनके पिताजी रूसो से गंदी गंदी पुस्तकें पढ़वाते थे, अथवा इसी प्रकार रूसो भी बचपन से ही काम वासना में पड़ गए थे, और इसी कारण उन्होंने अपने जीवन में लगभग 38 साल तक 1712 से लेके 1750 तक दर दर की ठोकरें खाई। क्या क्या नहीं उन्होंने किया, यहाँ तक कि उन्होंने भीख तक मांगी, कई काम बदले। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इनके जीवन में जो चमत्कारी परिवर्तन था, तो वह हुआ था इनके जीवन में 1750 में। 1750 में इनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जब यह विद्रोह से मिलने जा रहे थे। विद्रोह एक बहुत ही प्रमुख लेखक या विचारक था, उनसे यह मिलने जा रहे थे। जब यह विद्रोह से मिलने जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक अखबार के टुकड़े में देखा कि एक इश्तिहार छपा हुआ है, और उस इश्तिहार में इन्होंने देखा पढ़ा कि जो पेरिस की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थान है अकेडमी डी जॉन्स, उसमें एक प्रतियोगिता है, लेखन प्रतियोगिता निबंध प्रतियोगिता है, जिसमें की टॉपिक था, जिसका टाइटल था वह था कि जो औद्योगिकरण है या जो तकनीकीकरण है उसने किस प्रकार मानव के नैतिकता को या उसके मानव नैतिक स्वभाव को किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया और उसे मतलब कि प्रभावित किया है। तो इस प्रकार जैसे ही उन्होंने ये बात सोची तो उनके दिमाग में हजारों चिंगाड़ियां फूटने लग गए, और जिस प्रकार उन्होंने उस निबंध में भाग लिया, और उन्होंने यहाँ तक कि उस निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यही थी इनके जीवन की चमत्कारी परिवर्तन, जिसने इनको पूरी तरह से बदल दिया, और इसके बाद इन्हें कई प्रकार की रचनाएँ लिखने में प्रेरित किया। अब मैं बात करता हूँ इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो जब हम इनके प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं 6 हैं, जिसमें पहली रचना है इनकी डिस्कोर्सेज ऑन द ऑरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें इन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में बताया है, और इसकी रचना इन्होंने 1755 ईस्वी में की है। और इनकी 1755 में एक और रचना है जो कि राजनीति के ऊपर है, जो कि थी इकोनॉमिक पॉलिटिक, इसमें इन्होंने आर्थिक राजनीति का वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं इनकी अन्य और रचनाओं की, तो जिसमें इनकी तीसरी रचना है 1662 में, जो कि है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने सामाजिक समझौता बताया था कि जो समाज में जो समझौता हुआ था राज की उत्पत्ति के लिए, उसका इन्होंने पूर्णतम वर्णन किया है। अब इनकी एक और रचना है 1762 में, वह है द ईमाइल में इन्होंने शिक्षा के ऊपर बात किया है कि किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अपनानी चाहिए और लोगों का पूर्ण तरह से विकास करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी एक और प्रमुख रचना पर, जो कि है 1764 में, वह है लेटर डेला मोंटे। इसके साथ ही दोस्तों इन्होंने एक और रचना की है, वह थी द कन्फेसियस, जिसमें इन्होंने अपने जीवन के जितने भी बुरे कर्म कांड किए हैं इन्होंने उन सब गलती को इन्होंने स्वीकारा है, कन्फेस किया है। तो यही थी इनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम दोस्तों इनकी प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे, जिसमें राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य के प्रमुख कार्य व अन्य सिद्धांत आएंगे।
अब हम इनकी राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति में दोस्तों इन्होंने सामाजिक समझौते का वर्णन किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। और मैंने आपको सामाजिक समझौते में बता ही दिया है कि किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई है, तो आप वहां देख सकते हैं। अब मैं इनकी राज्य की प्रकृति की बात करूंगा। जब राज्य की प्रकृति की बात करते हैं तो इन्होंने राज्य की प्रकृति में कहा है कि जो राज्य की प्रकृति है वह निरंकुश होना चाहिए, मतलब उस पर किसी का भी अंकुश नहीं होना चाहिए, वह सर्वश्रेष्ठ होगा। और इसी के साथ इन्होंने राज्य के जो प्रकृति है उसको आंगिक सिद्धांत का वर्णन किया है, जो हमने आंगिक सिद्धांत के बारे में देख ही लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे और अन्य वीडियो में देखेंगे, उसमें आंगिक सिद्धांत के बारे में मैंने वर्णन किया है। अब मैं राज्य के प्रमुख कार्य की बात करता हूँ। तो जब हम राज्य के प्रमुख कार्य की बात करते हैं तो राज्य के प्रमुख कार्य में कहा गया है कि जो राज्य है सबसे पहले तो वह नकारात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों के व्यवहार पर नियंत्रण रखेगा और उन्हें गलत काम करने से उन्हें रोकेगा, उसके बाद ही कोई और काम होगा। तो उसमें क्या है, राज्य में जो व्यक्ति हैं उनका जन है उनका कल्याण करना, जिसमें कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य प्रकार के विकास व कल्याण आते हैं, और इस प्रकार समाज में कानून व्यवस्था को लागू करना जिसमें कि सभी को अच्छी तरह से न्याय मिल सके और समाज पूर्ण रूप से विकास कर सके। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख संप्रभुता की सिद्धांत की। जब हम संप्रभुता की सिद्धांत की बातें करते हैं तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो संप्रभुता है वह बहुत ही अहम है और वह अविभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं हो सकता है। और इन्होंने संप्रभुता को असीम माना है, असीमित माना है, और इन्होंने संप्रभुता को राज्य के लिए सबसे प्रमुख व सबसे अहम माना है। इसके साथ ही अब हम शक्ति की बात करते हैं। तो इन्होंने शक्ति में ये कहा है कि जो शक्ति है वह कानून के ऊपर आधारित है, यानी कि जो शक्ति है वह कानून के ऊपर आधारित है, और कानून यानी कि विधायिका है। विधायिका की जब हम बात करें तो विधायिका की जो कार्य है वह किसी और को सौंपी नहीं जा सकती है, और जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका है वह तत्पश्चात किसी और को सौंप भी सकते हैं, लेकिन जो विधायिका है वह किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने शक्ति को कानून का दूसरा रूप माना है। अब हम बात करते हैं इनके अधिकार की। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो इन्होंने अधिकार पे कहा है कि इसमें इन्होंने प्रमुख दो अधिकार की बात की है। एक तो प्राकृतिक अधिकार की बात की है इन्होंने, प्राकृतिक अधिकार में इन्होंने किया है कि जो, और दूसरा है निजी अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। अब मैं बात करता हूँ, जब प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार में उन्होंने कहा है कि हमें जो भी अधिकार प्राकृतिक से प्राप्त हुआ है, यानी कि हम अपने व्यवहार विवेक के प्रति ही प्रकृति में जो कर्म करते हैं या अच्छा हो या बुरा हो, तो वह हमें प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त है। लेकिन जो नागरिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, उसमें यह है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाए बिना कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने उस व्यक्ति को हानि पहुंचा के किसी काम को किया है तो वह नागरिक अधिकार का उल्लंघन है। अर्थात इन्होंने इसी प्रकार दो अधिकारों की बात की है, प्राकृतिक अधिकार और नागरिक अधिकार। अब मैं बात करता हूँ इनके सरकार की। तो इन्होंने सरकार में इन्होंने पॉपुलर सॉवर्टी की बात की है, यानी कि लोकप्रिय शासन प्रणाली की बात की है, जिसमें इन्होंने लोकतंत्र की भी बात की है। अब इसी के साथ हम लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में भी इन्होंने ये कहा है कि जो लोकतंत्र है वह इन्होंने बहुत ही अच्छा माना है शासन प्रणाली में, जिसमें क्या होता है कि लोगों के हाथ में शासन होता है और लोग ही शासन को नियंत्रित रखकर अच्छी तरह से करते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं न्याय की। जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय पर दोस्तों इन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति अपने आत्म परोपकार की भावना से काम करेगा, या इनकी जो न्याय की बात करूं तो न्याय इनकी पूरी तरह से जनरल बिल पावर पर आधारित है, यानी कि सामान्य
इच्छा शक्ति पर आधारित है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर व्यक्ति सामान्य इच्छा शक्ति के ऊपर कार्य करता है तो वही न्याय होगा। जिसमें इन्होंने सामान्य इच्छा शक्ति को भी दो भागों में बांटा था। पहला था स्वार्थ भावना, स्वार्थ मूलक, जो कि है एक्चुअल विल पावर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करता है, अपने लाभ में काम करता है। और दूसरा था परार्थ मूलक, यानी कि रियल विल पावर। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति अपने हित को ना देखकर समुदाय के हित में कार्य करता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कहा है कि जो न्याय है, न्याय को हम समाज में कैसे स्थापित कर सकते हैं, तो वह सिर्फ होगा रियल, वो होगा सिर्फ जनरल विल पावर के ऊपर। और जनरल विल पावर में भी इन्होंने जो रियल विल पावर है उसको इन्होंने समर्थन किया है कि जो व्यक्ति है, अर्थात इसके ऊपर इनका एक कथन भी है कि वह विचार कि जो नागरिक अपने हित में ना बल्कि समुदाय के हित में कार्य करे, वह सामान्य इच्छा शक्ति का सिद्धांत है। तो इस पे इन्होंने यह कथन कहा है। अब हम बात करें कानून की। तो इन्होंने कानून को ये प्रमुख चार भागों का वर्णन किया है। पहला है इनका संवैधानिक कानून, जो कि हमारे संविधान के द्वारा बनेगा। दूसरा है इनका दीवानी कानून, जो कि हमारे आम कानून होते हैं, जो कि कुछ स्थानों पर लागू होते हैं तो कुछ स्थानों पर नहीं लागू होते हैं, वह है दीवानी कानून। तीसरा है इनका फौजदारी कानून। फौजदारी कानून हमेशा दोस्तों, यह कानून किसी मतभेद के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लो हमारे पाकिस्तान या चाइना के साथ कुछ मतभेद होता है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ कानून बना देते हैं कि हमें उस देश के साथ व्यापार करना है या नहीं करना है, उसके साथ किसी संसाधन को बांटना है, चाहे वो पानी है, कुछ भी हो। तो वही है फौजदारी कानून। अब इस प्रकार है इनका। चौथा है पारंपरिक कानून। पारंपरिक कानून दोस्तों, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है, परम्परा है, उसके द्वारा आधारित होता है। तो यही थी इनकी प्रमुख कानून चार प्रकार की। अब हम बात करेंगे इनके संपत्ति के अधिकार की। जब हम दोस्तों संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, तो संपत्ति के अधिकार पे इन्होंने ये कहा है कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। और इन्होंने ये माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है उसका अहम कारण है संपत्ति का अधिकार। क्योंकि जब व्यक्तियों ने भूमि को कब्जना शुरू किया था, भूमि पर अपना अधिकार कायम करना शुरू किया था, तब हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों हमने इसी प्रकार जीन जैक्स रूसो के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन किया है। और यही था जीन जैक्स रूसो के जीवन परिचय व इनके द्वारा दिए गए राज्य के ऊपर प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन।